गाइस क्या आपको मालूम है कि एक ऐसा शख्स जो मरने के बाद भी जिंदा हो गया। क्या गाइस आपको मालूम है कि ताजमहल में कितने रत्न लगे हैं या कितने लोगों ने मिलकर इसका डिजाइन किया गया था। क्या आपको ये मालूम है कि ताजमहल को बनाने के लिए कारीगर को कहां कहां से बुलाया गया था। चलिए जान लेते हैं इस रैंडम फैक्ट्स को। गाइस आज मैं आपको ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा जिसे आप जानकर चौंक जाएंगे। सन 1915 में आयसी दनबार नाम की एक महिला जो कि 21 साल की है उसकी मृत्यु हो जाती है। डॉक्टर के द्वारा उसे मृत घोषित कर देने के बाद उसे कोफिन में रख दिया जाता है, लेकिन इसकी एक सगी बहन शहर से दूर रहती है, इसलिए वहाँ के लोगों ने बहन के आ जाने का इंतजार किया और बाद में उस डेड बॉडी को ले जाने का फैसला किया गया। लोग कहते हैं ना, जिसे राखे साइया उसे मार सके न कोई, यह लाइन यहाँ पर एकदम सटीक बैठती है। गाइस कुछ टाइम बीत जाने के बाद उसकी सगी बहन वहाँ पर आ जाती है और वह अपने बहन को आखिरी बार देखना चाहती है, तो वह कैफिन को खोलने का आर्डर देती है। और गाइस सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि जैसे ही कोफिन को खोला जाता है मृत महिला उठकर बैठ जाती है और उसके बाद वह 47 सालों तक जीवित रहती है। और इस महिला का नाम है आयसी दनबार, आप गूगल पर सर्च करके देख लीजिए। ये गाइस है ना फैक्ट्स अपने आप में अमेजिंग फैक्ट्स। गाइड्स आप इस दुनिया में एक से बढ़कर एक इमारतें देखी होंगी, लेकिन एक ऐसी इमारत हमारे उत्तर प्रदेश में भी है जिसकी नींव रखने के लिए उस समय के बादशाह ने अपने दिल को रखा था और इस इमारत का नाम है ताजमहल। गाइड्स ताजमहल को देखने के लिए टूरिस्ट दूर दूर से आते हैं, शायद ही उनको यह बात पता होगी जो वो ताजमहल का सामने का हिस्सा देखते हैं, दरअसल वो ताजमहल का पिछला हिस्सा है। इसका मुख्य शाही दरवाजा तो नदी के किनारे के पास है, यानी कि नदी के दूसरी तरफ है। टूरिस्ट वैसा ताजमहल को नहीं देख पाते जैसा कि उनको ताजमहल को देखना चाहिए था, और ऐसी ही इच्छा शाहजहां की भी थी। गाइस मुगल काल में महल तक पहुंचने के लिए यानी ताजमहल तक पहुंचने के लिए सिर्फ नदी ही एकमात्र रास्ता थी, जो कि किसी हाईवे से कम नहीं थी। गाइस मैं आपको बता दूं कि ताजमहल के मुख्य दरवाजे यानी शाही दरवाजे के पास यानी नदी के किनारे के पास एक चबूतरा रहा करता था। इसी चबूतरे के माध्यम से शाहजहां के शाही मेहमान ताजमहल में आया और जाया करते थे। गाइस क्या ये फैक्ट्स आपको मालूम था, कमेंट सेक्शन में लिखकर आप हमको जरूर बताइएगा। गाइस ताजमहल जैसी खूबसूरत इमारत इसके बनने के पूर्व शायद ही इस दुनिया वाले देखे होंगे। गाइस आप जो ताजमहल में सफेद संगमरमर देखते हैं वह राजस्थान के मकराना से लाया गया है, और तो और इसी तरह के 28 किस्म के रत्न ताजमहल में लगाए गए हैं। इसको लाने के लिए 1000 हाथियों की सहायता ली गई थी, जैसा कि जेड ऑफ क्रिस्टल को चाइना से मंगाया गया था, लेपिस लेज को अफगानिस्तान से, तारक्यूज तिब्बत से और अपने पंजाब से जेस्पर को मंगाया गया था। गाइस मैं आपको बता दूं कि कार्नियन को अरब से मंगाया गया था। गाइस है ना ये ताजमहल के बारे में अमेजिंग फैक्ट्स। क्या आप इसके पहले ताजमहल के बारे में ये फैक्ट्स जानते थे, कमेंट सेक्शन में लिखकर आप हमको जरूर बताइएगा। गाइस ताजमहल आज से लगभग 400 वर्ष पूर्व 1631 में बनना शुरू हुआ था और यह अपने 22 साल के सफर के बाद 1653 में बनकर पूरी तरह से इस दुनिया के सामने तैयार हो गया था। गाइस मैं आपको बता दूं कि ताजमहल को बनाने के लिए लगभग 20,000 मजदूर व कारीगर ने अपने खून व पसीने की मेहनत से इसे बनाया था। वास्तुकला का इससे शानदार नमूना इस दुनिया में और कहीं नहीं है। गाइस मैं आपको बता दूं कि ताजमहल की दीवारों में जो डिजाइन बना है वह इटली के कारीगर ने बनाया था, और संगमरमर को बेहतरीन लुक देने के लिए उज़्बेकिस्तान के बुखाना से कारीगर को बुलाया गया था। और गाइस मैं आपको बता दूं कि संगमरमर पर कैलीग्राफी करने के लिए ईरान से कारीगर को बुलाया गया था, और तो और पत्थर को तराशने के लिए बलूचिस्तान से कारीगर को बुलाया गया था। क्या ये फैक्ट्स आपको मालूम था, कमेंट सेक्शन में लिखकर आप हमको जरूर बताइएगा। गाइस मैं आपको बता दूं कि कुछ चुतियों के लोगों की वजह से हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम हो गया था, तब उस समय वह ताजमहल में से खोद खोद कर चोरों की तरह वह उसमें से बेशकीमती रत्नों को चुरा कर वो अपने देश ले गए। गाइस ताजमहल का डिजाइन इस तरह से किया गया था कि अंग्रेज इसको देखकर तंग रह गए। गाइस क्या आपको मालूम है कि ताजमहल का डिजाइन कितने लोगों ने मिलकर किया था, तो मैं आपको बता दूं कि ताजमहल का डिजाइन लगभग 37 लोगों ने मिलकर किया था। यही लोग ताजमहल के गुंबद में सोने का कलश लगाया था, लेकिन अंग्रेज डकैत इसे भी अपने देश चुरा ले गए और इसके जगह 19वीं शताब्दी में कांसे का कलश लगा दिया गया। गाइस मैं आपको बता दूं कि ताजमहल जब बनकर तैयार हो गया था
1653 में इसकी कीमत करोड़ों में आकी गई थी। लेकिन गाइस आपके मन में ये भी सवाल आता होगा कि यदि इस समय में ताजमहल को बनाया जाए तो कितने रुपए खर्च होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि इस समय में यदि आप ताजमहल को बनाने के लिए जाएंगे तो लगभग आपको 58 अरब रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। गाइस क्या ये अमेजिंग फैक्ट्स आपको मालूम था? कमेंट सेक्शन में लिखकर आप हमको जरूर बताइएगा। और इसी तरह का अमेजिंग फैक्ट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक शेयर जरूर करिएगा।